हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रितेश ठाकुर। तो आज का वीडियो थोड़ा ब्लॉगिंग स्टाइल में होने वाला है, तो मैंने सोचा कुछ बाकी मतलब कि काफ़ी देर से सिंपल वीडियोस डाल रहा था मैं, तो सोचा कि थोड़ा ब्लॉगिंग स्टाइल ऐड कर लेते हैं अपने चैनल में, थोड़ी वीडियोस में ब्लॉगिंग स्टाइल ऐड कर लेते हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स है जो भी हमें हमारी वीडियो कोई भी जो देखता है तो वो ज़्यादा बोर ना हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं जिम से पहले मतलब कि अपने वर्कआउट से पहले मैं क्या खाता हूँ। ये कोई फिक्स मील नहीं है, मैं हमेशा अपनी मील्स में वेरिएशन लाता रहता हूँ। और आज जिम में ट्रेन करने वाला हूँ अपने शोल्डर्स, तो मैं डेफिनेटली हमें शोल्डर का वर्कआउट आपसे शेयर करूँगा। हो सके तो मैं हर वर्कआउट का मतलब कि हर एक्सरसाइज के एक से दो सेट डालने की कोशिश करूँगा। तो चले चलते हैं किचन में। हे गाइस, तो हम आ गए हैं किचन में। और वर्कआउट करने से पहले मैं जो मील लेता हूँ वो ज़्यादातर ओट मील होती है, या फिर पीनट बटर ब्रेड हो गए, या फिर सिंपल स्क्रैम्बल्ड एग्स और साथ में ब्रेड ले लेता हूँ। पर आज ऐसा कुछ नया ट्राई करने का मन कर रहा था, एग्स के साथ ही हम थोड़ा ट्राई करेंगे। तो आज मैं बनाने वाला हूँ फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट में कुछ अलग नहीं करना होता ज़्यादा, बस उसमें हमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करना होता है 1-2 टेबलस्पून। तो वही करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं मैंने लिए हैं 2 अंडे, ऐसे आप चाहे तो 3 या 4 का बना सकते हैं, बट मैंने सुबह ही 5 से 6 अंडे कंज्यूम करे हुए थे, तो इसलिए मैं भी सिर्फ 2 अंडे का बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस, हम लेंगे 2 एग्स, जैसे बताया मैंने, मैं 2 होल एग्स लूँगा। होल एग्स से तो प्रोटीन तो मिल ही रहा है, और क्या बोलते हैं, अच्छा गुड फैट्स ही मिल जाएगा हमें योग से। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप प्री वर्कआउट ड्रिंक्स से अच्छा जो सप्लीमेंट्स आते हैं उससे अच्छा प्री वर्कआउट मील ले लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा आपको एनर्जी देगी और आप प्री वर्कआउट ड्रिंक पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हो पाओगे। जितना आप नेचुरली ले सकते हो फूड से अपने सप्लीमेंट्स से, तो आप वहाँ से लीजिए। जैसे अब 2 होल एग्स डाल दिए मैंने, इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और जैसे कि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो इसको ऑमलेट से या स्क्रैम्बल्ड एग से अलग करता है, वो है मिल्क। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून मिल्क डालूँगा। आपको जितना क्रीमी चाहिए आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं, बट मैं थोड़े डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे मिल्क या दही होगी वो थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपना वेट लूज कर रहा हूँ। तो उसको थोड़ी सी आप मिला लीजिए। जैसे मैं देख सकता मैं अपने एग्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है। अब आपको इसमें जो कि ब्रेड है उसे डिप करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ दोनों साइड से डिप कर लीजिए। हाथ अच्छे से धो लेना है पहले, जैसे डिप कर ली। उसके बाद आप पैन में ऑयल या बटर ले सकते हैं अपनी डाइट के अकॉर्डिंग। फिर डिप करके आपने ये इसको डाल दिया। मैं 2 ब्रेड पीस लेता हूँ, हमेशा 2 साइज से लेता हूँ ब्रेड के, क्योंकि मुझे कार्ब्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है वर्कआउट के टाइम, जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको भी आप इसमें डाल दीजिए। और जो आपका बचा हुआ मिक्सचर है इसका, जिसको बचा हुआ मिक्सचर है आप इस पर डाल सकते हैं ऊपर से, दोनों में थोड़ा डाल दीजिए। तो गाइस, ऐसा दिखेगा कुछ हमारा जो फ्रेंच टोस्ट होगा। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मिल्क है, आप अपने अकॉर्डिंग मिल्क डाल सकते हैं, आपको कितना क्रीमी चाहिए। तो जैसे बताया कि मैं ज़्यादा मिल्क यूज़ नहीं करता, इसलिए मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून लिया। आप 3 से 4 भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें इंग्रेडिएंट्स जैसे कोई भी आपकी वेजीज होगी या फिर कोई भी अनियंस या टमाटोज होगा वो ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ जब ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो गाइस, ये थी मेरी प्री वर्कआउट मील। ये तो आजकल चेंज के लिए मैंने ऐसे फ्रेंच टोस्ट बनाया, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ब्रेड बटर ले सकते हैं, पीनट बटर ब्रेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है। तो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं जिम। अभी हमने बैक बारबेल प्रेस मारे हैं, मिलिट्री प्रेस मारे हैं बैक शोल्डर के लिए। तो अब हम ट्रेन करने वाले हैं अपने फ्रंट शोल्डर, जिसे मारेंगे एर्नोल्ड प्रेस। पिछला वर्कआउट में शूट नहीं करवाया, पिछली एक्सरसाइज में शूट नहीं करवाया, भूल गया था एक्चुअली, मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था वर्कआउट में। तो अभी मैं आपको अपने एर्नोल्ड प्रेस के 1-2 सेट शूट करके दिखा देता हूँ।
गाइस जस्ट अभी वर्कआउट में खत्म करा हुआ है, लास्ट सेट मैंने श्रेयस का मारा है। श्रेयस में काफी इन्वॉल्व करता हूँ अपने बैक और शोल्डर गेम में, क्योंकि ये मुझे एक अच्छा वी टेपर लुक देता है। जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा कि थोड़ा बहुत वी टेपर लुक मेरी बैक आने लग गया हुआ है, और इसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि श्रेयस को अपने बैक और शोल्डर के वर्कआउट में इन्वॉल्व करें। और यही था आज का वर्कआउट, आगे कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर वर्कआउट की फॉर्म बताऊँ और प्रॉपर सेट्स और रेस्ट बताऊँ आपके बॉडी के हिसाब से। अगर बल्किंग करना है तो उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, शेडिंग करना है तो उसका वर्कआउट का अलग वीडियो बनाऊंगा, और साथ में सेट्स और रैप्स भी डाल दूंगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो, ये वीडियो का आज मैंने थोड़ा ब्लॉग टाइप में करने की कोशिश करी हुई है। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी डाउट हो आपका फिटनेस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। टिल देन गुड बाय।